क्या आपको पता है कि आप हेलो एप्लीकेशन में एक बेहतरीन फ़ोटो को एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप अपना एक बेहतरीन फ़ोटो को एडिट करके साथ ही उसमें म्यूजिक लगाकर आप अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको फ़ोटो को एडिट करके दिखाने वाला हूं और साथ ही मैं अभी आपको अपलोड करके भी दिखाने वाला हूं। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले, आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वहीं पे जहाँ पे फ़ोटो को एडिट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको बीच में एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने पर आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन दिखने वाला। पहला आपको यहाँ पे दिखेगा पोल का ऑप्शन, दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट का ऑप्शन जो कि आप कुछ लिख कर सिंपली आप अपलोड कर सकते हैं, चौथा मिलेगा आपको फ़ोटो का ऑप्शन, चौथा मिलेगा आपको वीडियो का ऑप्शन और पांचवा मिलेगा आपको यहाँ पे एक फ़ोटो से आप बेहतरीन वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप फ़ोटो को किस तरह से एडिट करके आप एक बेहतरीन आप फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। सिंपली मैं अपना एक फ़ोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ, आप यहाँ पे एक से अधिक फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना एक फ़ोटो को यहाँ पे ले लिया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे में आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइड बार में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पांच ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक एक करके एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। तो पहला आपको मिलेगा एडजस्ट का ऑप्शन जो कि आप इसे कुछ छोटा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आप जो भी आपको साइज करना आप उतना कर सकते हैं। अब आपको ऊपर सही वाले में टैप करना, उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का। तो फिल्टर वाले में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फ़िल्टर को ऐड कर सकते हैं। तो आप अपना पसंद से कोई भी फ़िल्टर को आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक नॉर्मल सा एक फ़िल्टर को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली इस वाले फ़िल्टर को ले लिया और यहाँ पे आपको सही वाले में आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक स्टिकर का, तो आप यहाँ पे चाहे तो आप पसंदीदा स्टिकर को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक स्टिकर को ऐड कर देता हूँ। जी हाँ, तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिंपली इस स्टिकर को ऐड कर दिया। इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस स्टिकर को अपने इस इमेज में ऐड कर दिया। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट का। तो अगर आप इस फोटो में कुछ भी लिखना चाहते हैं या आपका शायरी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इतना लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चार ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे इस टेक्स्ट का फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस फॉन्ट को ले लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली इसे इस फोटो को कोई भी आप कलर दे सकते हैं। तो मैं सिंपली इस वाले कलर को टैप कर यहाँ पे आप इसे साइड या ऊपर या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसी पे टैप करूँगा और इसे मैं छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस फोटो मतलब इस टेक्स्ट को यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे अटक दिया। तो आपको यहाँ पे अब आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा ले आउट का। जी हाँ, आपको यहाँ पे ले आउट मिलेगा। अब आपको बताना कि ले आउट में क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट का मतलब इसमें आप कोई भी कलर भर सकते हैं। तो मैं सिंपल इस कलर को भर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसे आप फोटो को ऊपर नीचा यानी तो आप एक साइड कर सकते हैं या तो इस साइड कर सकते हैं या इस साइड या आपको इस साइड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप मतलब अपने फ़ोटो में लेआउट लगा सकते हैं। सिंपली मैं अपना इस फ़ोटो में लेआउट लगा दिया। तो आपको क्या करना है मैं अभी आपको जल्दी जल्दी आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग आराम से बेहतरीन तरीका से आप इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आता है ऑप्शन म्यूजिक का। तो सिंपली आपको कोई सा भी एक म्यूजिक को ले लेना है। मैं सिंपली यहाँ पे इस म्यूजिक को ले लेता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं इस म्यूजिक मेरा स्टार्ट हो गया। सिंपली मैं इस सही वाले पे टैप करता हूँ। मैं अब आपको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सही वाले में टैप करना है और अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, आप कुछ भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ वाईफाई दोस्त। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लगा दिया हैशटैग और आप यहाँ पे किसी को भी आप
टैग कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पे टैग करने का बहुत ऑप्शन आ रहा है, मैं सिंपली इसे टैग कर लिया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस फोटो को एल्बम में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑन करेंगे, अन्यथा इसे ऑफ ही रहने देंगे। और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको पोस्ट का, सिंपली यहाँ पे पोस्ट पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वो फोटो अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है, जो कि अभी आपको साउंड सुनने नहीं मिल रहा। जैसे मैं इस फोटो पे टैप करूँगा तो आपको यहाँ पे देखिए साउंड सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो आप भी इस तरह से एक बेहतरीन फ़ोटो को एडिट कर अपने इस हेलो एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू को पा सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो में बहुत ज़्यादा व्यू आता है। फ़ोटो में आपको कोई भी मेहनत नहीं लगता है फ़ोटो अपलोड करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ इस चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा। आप वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफ़र और साथ ही इस हेलो एप्लीकेशन में कोई भी अपडेट आता तो मैं वहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।